रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग, रॉबर्ट टी कियोसाकी। अध्याय 3, चयन। निवेश पर अमीर डैडी के सबक शुरू हो गए। जब पैसों और निवेश की बात आती है तो लोगों के पास निवेश करने के 3 बुनियादी कारण या विकल्प होते हैं। पहला, सुरक्षित। दूसरा, आरामदेह। या तीसरा, अमीर। अमीर डैडी ने आगे कहा, तीनों ही चयन महत्वपूर्ण है। इंसान के जीवन में फर्क तब आता है जब इन विकल्पों को प्राथमिकता के आधार पर जमाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि अधिकतर लोग अपने पैसे और निवेश चयन ठीक इसी क्रम में जमाते हैं, यानी धन संबंधी निर्णय लेते समय उनका पहला विकल्प सुरक्षा होता है, दूसरा होता है आरामदेह होना, और तीसरा है इसलिए अधिकतर लोग नौकरी की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना देते हैं। जब उनके पास कोई सुरक्षित नौकरी या पैसा आ जाता है तो इसके बाद वे आरामदेह होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर बनना अधिकतर लोगों के लिए आखिरी विकल्प होता है। 1973 में उस दिन अमीर डैडी ने कहा था, अधिकतर लोग अमीर बनने के सपने देखते हैं लेकिन यह उनका पहला चयन नहीं होता। चयनों की इस प्राथमिकता की वजह से ही अमेरिका के 100 में से सिर्फ 3 लोग अमीर होते हैं। अधिकांश लोगों की स्थिति यह होती है कि अगर अमीर बनने से उनके आराम में खलल पड़ता है या इससे उन्हें असुरक्षा का एहसास होता है तो वे अमीर बनने की कोशिश छोड़ देंगे। इसलिए इतने सारे लोग निवेश की जोरदार टिप चाहते हैं। जो लोग सुरक्षा और आराम को अपना पहला और दूसरा विकल्प चुनते हैं, वे फटाफट अमीर बनने के लिए ऐसे तरीकों की तलाश करते हैं जो आराम, जोखिम रहित और आरामदेह हो। कुछ लोग किसी खुशकिस्मत निवेश में अमीर बन भी जाते हैं लेकिन अक्सर वे बाद में उसे गवा भी देते हैं। अमीर या खुश, मैं अक्सर लोगों को कहते सुनता हूं, मैं तो अमीर बनने के बजाय खुश रहना चाहूंगा। यह बात मुझे हमेशा बड़ी अजीब लगती है। मैं अमीर भी रहता हूं और गरीब भी, दोनों ही आर्थिक स्थितियों में मैं खुश भी रहा हूं और दुखी भी। मुझे समझ नहीं आता कि लोग यह क्यों सोचते हैं कि उन्हें खुशी और अमीरी में से किसी एक को चुनना होगा। जब मैं इस सबक पर विचार करता हूं तो मेरे ख्याल से लोग दरअसल यह कह रहे हैं कि मैं अमीर बनने के बजाय सुरक्षित व आरामदेह महसूस करना चाहूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि असुरक्षित या असहज होने पर वे खुश नहीं होते। जहां तक मेरा मामला है, मैं अमीर बनने की खातिर असुरक्षित और असहज महसूस करने के लिए तैयार था। मैं अमीर भी रहा हूं और गरीब भी, मैं खुश भी रहा हूं और दुखी भी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब मैं गरीब और दुखी था तो मैं उससे ज्यादा दुखी था जब मैं अमीर और दुखी था। मैं इस कथन को भी कभी नहीं समझ पाया, पैसा आपको सुखी नहीं बनाता है। हालांकि इस बात में थोड़ी सच्चाई है, क्योंकि मैंने हमेशा पाया है कि जब मेरे पास पैसा होता है तो मैं काफी अच्छा अनुभव करता हूं। अभी कुछ समय पहले मुझे अपने जींस की जेब में $10 का नोट मिला। हालांकि नोट सिर्फ $10 का था लेकिन इसका मिलना बड़ा अच्छा लगा। नोट मिलना चुकाने वाले बिल के मिलने से हमेशा बेहतर महसूस होता है। पैसे के मामले में कम से कम यही अनुभव है। जब पैसा मेरे पास होता है तो मुझे खुशी महसूस होती है, और जब यह मेरे पास से चला जाता है तो दुख महसूस होता है। 1973 में अपनी प्राथमिकताएं इस क्रम में जमा ली, पहला अमीर, दूसरा आरामदेह और तीसरा सुरक्षित। जैसा मैंने पहले बताया था, पैसे और निवेश के संबंध में तीनों ही प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण हैं। आप उन्हें किस क्रम में रखें यह एक बहुत व्यक्तिगत निर्णय है जो निवेश की शुरुआत से पहले ही लिया जाना चाहिए। मेरे अमीर डैडी ने सुरक्षित रहने को पहली प्राथमिकता बनाया था और अमीर डैडी ने अमीर बनने को पहली प्राथमिकता के रूप में चुना था। निवेश की शुरुआत से पहले यह निर्णय लेना महत्वपूर्ण है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है। मानसिक दृष्टिकोण प्रश्नावली। अमीर, आरामदेह और सुरक्षित व्यक्तिगत बुनियादी मूल्य है। कौन से
अमीर, आरामदेह और सुरक्षित व्यक्तिगत बुनियादी मूल्य हैं। इनमें से कोई भी किसी से बेहतर नहीं है। बहरहाल, आपके लिए कौन से बुनियादी मूल्य सबसे महत्वपूर्ण हैं? यह चुनने से आपके चुने हुए जीवन पर अक्सर महत्वपूर्ण दीर्घकालीन असर होता है। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन से जीवन मूल्य आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, खासतौर पर पैसों और वित्तीय नियोजन के संदर्भ में। तो मानसिक दृष्टिकोण प्रश्न यह है, आपके बुनियादी जीवन मूल्य क्या है? महत्व के क्रम में लिखें कि कौन से बुनियादी जीवन मूल्य आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। आप में से कुछ को अपनी सच्ची भावनाओं तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। आपके जीवन साथी या मार्गदर्शक से गंभीरता से बातचीत करें, लाभ और हानि की सूचियां बनाएं, आपकी निजी प्राप्तियां क्या है यह जानने के बाद आप आगे चलकर कई दुखद निर्णयों और बेचैन रातों से भी बच जाएंगे। पैसे का 90/10 का नियम कारगर होता है। इसका एक कारण शायद यह भी है कि 90% लोग अमीर बनने से ज्यादा आरामदेह होने और सुरक्षित रहने का विकल्प चुनते हैं। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याय 4 की तरफ, जो है, आप किस प्रकार का संसार देखते हैं। आपका दिन शुभ हो।